26 जनवरी की शाम तालाब में तैरने गए तीनों छात्रों को मिली जल समाधि। 27 जनवरी को चंद्रपुर पुलिस रेस्क्यू टीम को तीनों छात्रों के शव ढूंढ निकालने में सफलता मिली। कोरपना तहसील के आवारपुर स्थित अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी परिसर में रहने वाले कक्षा चौथी के तीन छात्रों की तालाब में डूबने से मौत होने की घटना 26 जनवरी की रात सामने आई। आज 27 जनवरी को चंद्रपुर की पुलिस रेस्क्यू टीम ने तीनों विद्यार्थियों के शव ढूंढ निकाले हैं। मृतकों में पारस गोवार्दी पे, दर्शन बचाशंकर और अर्जुन सिन्हा का समावेश है। इस घटना के बाद कंपनी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। घटना परिसर में किसी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था, सुरक्षाकर्मी तैनात नहीं है और ना ही कोई चेतावनी का बोर्ड लगाया गया है। इसी वजह से कॉलोनी में रहने वाले कर्मचारियों के बच्चे तालाब के आसपास खेलने के लिए जाते हैं, किंतु 26 जनवरी को तैरने गए पारस, सचिन गोवार्दी पे, दर्शन बचाशंकर और अर्जुन सुनील सिंह की डूबने से मौत हो गई। कॉलोनी निवासी अनेकों के बच्चे गणतंत्र दिन की शाम कंपनी द्वारा तैयार किए तालाब में तैरने के लिए गए थे, किंतु तीनों ही बच्चे घर न लौटने पर उनकी तलाश शुरू की तो तालाब के किनारे तीनों के कपड़े मिले। इसके बाद पुलिस को सूचना देकर बुलाया गया। पुलिस ने तलाश शुरू की किंतु रात हो जाने से तलाश अभियान रोक दिया गया। आज 27 जनवरी को पुलिस रेस्क्यू टीम ने गहरे पानी से तीनों बालकों के शव ढूंढ निकाले। तीनों के शव कीचड़ में फंसे थे। शव को देखकर परिसर में शोक की लहर है। उक्त शोध मुहिम जिला पुलिस अधीक्षक, उपविभागीय पुलिस अधिकारी सुशील कुमार नायक इनके मार्गदर्शन में थानेदार सत्यजीत आमले के नेतृत्व में बोट चालक अशोक गर्गिलवार, मंगेश मत्ते, वामन नक्शीने, अजीत बाहे, गिरीश मरापे, दिलीप चौहान, सुजीत मोगरे ने की। कार्रवाई संदर्भ में जानकारी गढ़चांदूर के थानेदार सत्यजीत आमले ने दी। कल रात को 9:30 बजे हमको खबर मिली कि तीन लड़के अल्ट्राटेक आवारपुर कंपनी के कॉलोनी के रहने वाले 10 साल की उम्र के, वो वहाँ पे जीव टाइप का पॉन्ड है, वहाँ डूबने की आशंका उन्होंने जताई। हम लोगों ने जाके सर्च ऑपरेशन किया। जो नज़दीक के गांव के गोताखोर थे उनके मदद से हम लोगों ने रात को 1:30 बजे तक कोशिश की, पर कुछ पता नहीं चला। आज सुबह चंद्रपुर की हमारी जो पुलिस रेस्क्यू टीम है वो और कुछ अन्य गोताखोर उनके मदद से फिर से आज सुबह से हमने सर्च ऑपरेशन किया। उसमें 3-10 साल की उम्र के बच्चों की डेड बॉडी मिल गई है। उनका पोस्टमार्टम के लिए हम उनको यहाँ RHC गढ़चंदूर में लेके आए हैं। थोड़े से उसके पार्श्व भी में देखेंगे तो 2 दिन पहले भी उन्होंने एक लड़के से पूछा था कि चलो खेलने जाते हैं, तो खेलने गए तो वो जंगल की तरफ जाने लगे हैं। तो वो लड़का वो डर गया, वो बोला मैं नहीं आता हूँ, चौथा वाला लड़का था। तो ये बोले कि तुम नहीं आते हो तो मत आओ, हम जाते हैं। तो वो आगे गए थे। तो कल वो देर रात तक शाम तक आए नहीं, तो उनके घर वालों ने पूछताछ की तो मुझे उनके लड़के से पता चला कि वो जंगल में गए हैं। जब वहाँ जाके देखा तो वहाँ उनके कपड़े और चप्पल वगैरह मिले थे। वो जी टाइप का पॉन्ड है, जो नाला है, तो वहाँ पे वो कपड़े मिले थे। सर्च ऑपरेशन किया था हमने रात 1 बजे तक, पर नहीं मिला। आज वो डेड बॉडी मिल गई है।